गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। जब यूनिवर्सिटी ने एक्स के सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया तो एक्स बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी से कहा कि तुम अपने किसी एक भाई को जो पुनर्जीवित कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी सोचने लगे, इच लुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट एक क्षण टू थिंग। युधिष्ठिर एक क्षण के लिए सोचे एंड देन आल्सो ही वेटेड, उन्होंने इच्छा जाहिर की दैट ही द क्लाउड कंप्रेशन मीन्स श्याम वर्ड लोटस आई मीन्स कमल आंखें ब्राह के चौड़ी सीने एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजा वाले नकुल लेंग जो पड़े हुए हैं लेटे हुए हैं लाइक ए फाले के गिरे हुए एबोनी मिस तेंदु के ट्रीमिंग पे की तरह माई गहराई मिस उठ खड़े हो जाए या पुनर्जीवित हो जाए। ने कहा कि श्याम वर वाले लोटस आई में कमल आंख वाले ब्राइट फेस के मीन चौड़ी छाती वाले एंड लॉन्ग आर्म मीन लंबी भुजाओं वाले नकुल उठ खड़े हो जा। द यक्ष वाज प्लीज, यक्ष खुश हुआ, प्लीज मीन खुश हुआ एंड दिस इज पे एंड आज और पूछा रिश्तेदार ने यक्ष से पूछा। इस पर यक्ष बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर रिश्ते से पूछा, व्हाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल मिस नकुल को इन द प्रेफरेंस टू भीमा, भीमा की तुलना में मीन्स भीम की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना। वो है जिसके पास सबसे है ऑफ 16,000 में 16,000 एलिफेंट हाथियों, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है कि शक्ति है, उसकी तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना। आई मीन्स मैं हाय हॉर्ड सुन चुका हूँ दैट की भीमा में भीम एज मोस्ट डियर में सबसे अधिक प्रिय है टू यू मीन तुम्हारे लिए। मैं यह भी सोच चुका हूँ कि भीम तुम्हारे लिए सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई और क्यों नहीं, वाई एड मीन क्यों नहीं अर्जुन मिस अर्जुन को मिस और अर्जुन को क्यों नहीं तुमने चुना। वो इस दिन जिसकी शक्ति इन आर जिसकी भुजाओं की शक्ति योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा में फिर पूछता है कि तुमने पूछता है कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाओं की शक्ति ही तुम्हारा प्रोटेक्शन है। टेल मी, मुझे बताओ व्हाई यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल मिस नकुल को राधा दर तुलना में आइदर ऑफ दी टू, इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना, क्यों पुनर्जीवित किया करना चाह। फिर अगले जब इनसे जवाब देंगे तो अगले पैराग्राफ